जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली, ये आप सभी को पता है कि बीएसएफ के भी ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं और आईटीबीपी के भी ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं। मेरे पास में कुछ फोटो आए हैं आईटीबीपी और बीएसएफ के ज्वाइनिंग लेटर की, आप सभी ने देखा होगा, आपके ग्रुप में भी आ गया होगा, मैं भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए। आईटीबीपी का भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और बीएसएफ के भी ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं। लेकिन जो बीएसएफ वालों की जो खास बात रही है, उनके काफ़ी जो क्वेश्चन रहे हैं उनके भी अभी मैं एक निदान करूंगा कि उनके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ज्वाइनिंग लेटर के पीछे नहीं आया है, और शायद आईटीबीपी वाले के पीछे भी ज्वाइनिंग लेटर के पीछे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो नहीं आया है, तो उनको किस प्रकार से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना। और जो बच्चे सीआरपीएफ के जिनके अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए, वो बार बार मेरे को मेल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, तो उनके सवालों के जवाब देंगे। बाकी और सीआईएसएफ की जो ज्वाइनिंग हो रही है, कैंसिल उठा रहे हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, ताकि आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा, जितने भी आपने मेरे को मैसेज किए कमेंट बॉक्स में और जितने भी इंस्टाग्राम पे मैसेज किया या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जितने मैसेज किए वो सब पढ़ाऊँ मैं, उनके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनके आंसर करूँगा मैं इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले जो बीएसएफ के ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बोल रहे हैं कि सर एमपी का कब आएगा, पहले सीआरपीएफ से शुरू करते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ के प्रेजेंट टाइम में ज्वाइनिंग लेटर चल रहे हैं। तो कई बच्चियां मेरे को मैसेज कर रही हैं कि सर गर्ल्स के ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे सीआरपीएफ के, या इस स्टेट के ज्वाइनिंग लेटर के कब आएंगे। तो पहले मैं बता दूं कि सीआरपीएफ में बहुत सारे गर्ल्स के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि गर्ल्स के ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए, गर्ल्स के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। भोपाल जीसी के भी आ चुके हैं, अजमेर जीसी के भी आ चुके हैं, गुड़गांव जीसी के भी आ चुके हैं, दिल्ली जीसी के भी आ चुके हैं, झाड़ौदा में जो है उसमें भी गर्ल्स के आ चुके हैं, मतलब सभी जगह जहाँ पर भी जो नीमच के भी आ चुके हैं, यानी जहाँ पर भी आवड़ी के भी आ चुके हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसी है जहाँ पर सीआरपीएफ में गर्ल्स के ज्वाइनिंग लेटर भी आ गए और बॉयज़ के ज्वाइनिंग लेटर तो आपने देखे होंगे, तो गर्ल्स के भी बहुत आ गए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर दूंगा कई गर्ल्स के ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास में है साथ में। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहा सबसे ज़्यादा कि सर हमारे मोहल्ले में सबके आ गए, हमारे गाँव में सबके आ गए, हमारे तहसील में सबके आ गए, सबके ज्वाइनिंग लेटर आ गए, लेकिन हमारे नहीं आए। तो मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि देखो, अभी कल भी एक बच्ची का ज्वाइनिंग लेटर आया, वो भी मेरे को कम से कम 10 दिन से यही मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा नहीं आया, सर मेरा नहीं आया, मेरे घर वाले परेशान हैं। और मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि जब ग्रुप सेंटर से आपका आता है तो कई बार डिले हो जाता है, एक साथ सारी की सारी पोस्ट नहीं हो पाती, किसी का 2 दिन जल्दी, किसी का 2 दिन बाद में, 2 दिन का मतलब फिक्स 2 दिन नहीं, 5-7 दिन का टाइम 10 दिन का लग जाता है। उनकी भी डेट 18 मार्च आई है ज्वाइनिंग की, आईटीबीपी वालों की भी 18 मार्च ज्वाइनिंग डेट है। तो दोस्तों थोड़ा सा वक्त दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, एक साथ ही सभी की ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग भी एक ही बैच बनेगा, नेक्स्ट बैच नहीं बनेगा। अगर किसी को लगता है कि सर हमारा नेक्स्ट बैच ना बना दे या हमारी ज्वाइनिंग लेट ना हो जाए, तो वो उसकी चिंता नहीं है। अगर 5-7 दिन या लेट भी होती है तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, ज्वाइनिंग सभी की एक साथ ही होगी, कोई सेकेंड लिस्ट में ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो 2-4 दिन 10 दिन लग सकते हैं, आ जाएगी, 5 दिन लेट ज्वाइनिंग देखिए आपको बुला लेंगे, लेकिन बुला लेंगे ज़रूर। अब इसके बाद में जो बीएसएफ का जो ज्वाइनिंग लेटर आया है जी, कईयों के पास आ गया है, कईयों के पास आने वाले 2 से 3 दिन में काफ़ी सारे बीएसएफ के बच्चों के पास में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, मतलब 2-3 दिन में सभी जगह के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बीएसएफ के जो ग्रुप सेंटर है वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आपके इशू हो चुके हैं, कुछ बच्चे जिनके नज़दीकी रहता है घर से सेंटर का, तो उनके ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं डाक से, और बाकी आपके आने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि उसके ज्वाइनिंग लेटर के पीछे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि 2 गजेटेड ऑफिसर से आपके साइन होने चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। तो दोस्तों एक सिविल वहाँ पर जाना साइबर कैफे पर, वहाँ जाके उनको बोलना कि हमको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, तो वहाँ से एक चरित्र प्रमाण पत्र की एक कॉपी लेना, उस कॉपी पे 1 गजेटेड ऑफिसर का मतलब हो गया कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर फर्स्ट ग्रेड का, या कोई हेडमास्टर, या कोई डॉक्टर, या कोई पशु चिकित्सक है वो, या SDM और तहसीलदार, ये सभी गजेटेड ऑफिसर हैं, इनमें से किसी 2 के आपको साइन करा के चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है दोस्तों। तो उसमें कोई बड़ा आपके पंगा है नहीं कि भाई आपके पीछे नहीं आया है तो क्या करें क्या करें, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन इस बार पुलिस आपसे अपने आप कर रही है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाला पंगा मतलब हटा दिया गया है, आपको कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवानी है, ऑटोमेटिकली पुलिस वेरिफिकेशन आ रही है, होम एड्रेस वेरिफिकेशन भी आ रही है, वो ऑटोमेटिकली हो जा रही है इस बार, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, वो साइबर कैफे पर जाइए, वहाँ से फॉर्म लीजिए एक, वहाँ पर अपना नाम नंबर जो भी है वो भर के, फोटो वोटो लगा के रिसेंटली, और थप्पा मार के उनसे साइन करवा लीजिए, तो वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब सीआईएसएफ में कई बच्चों के अभी कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं, सॉरी कैंसिल नहीं, जिनके मतलब मिस्टेक हो रखी है सर नेम में, इनमें जो बहुत सारी मिस्टेक हो रखी है, तो उनको क्या करना है,
तो उनको जो पोस्ट ऑफिस से आपको पोस्ट करके वापस भेजना है और 10 दिन का समय मांगा है, तो कुछ बच्चे घबरा रहे हैं कि सर हमारे 10 दिन में नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, हमारे 10 दिन में नहीं, तो 10 दिन में नहीं पहुँचेंगे तो कोई घबराने वाली चिंता वाली बात नहीं है, कोई आपको वो 10 दिन का टाइम देते हैं ताकि बच्चे जल्दी करें। लेकिन ये नहीं कि आपका उसकी वजह से 10 दिन नहीं पहुँचेगा तो आपको आपको रिजेक्ट कर देंगे, 11 दिन पहुँचेगा या 12वें दिन पहुँचेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। बस ये है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। अब CISF की ज्वाइनिंग की अगर बात करें, BSF और ITBP की ज्वाइनिंग आ गई, CISF की चल रही है, 3 डिपार्टमेंट की हो गई। अब बात करते हैं CISF, SSB और असम राइफल, इनकी ज्वाइनिंग की बात अगर हम करें तो दोस्तों CISF की ज्वाइनिंग आने वाली है क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन उन्होंने करवाना शुरू कर दिया, होम एड्रेस वेरीफाइड भी करवाना शुरू कर दिया, असम राइफल की भी होम एड्रेस वेरीफाइड करवाना शुरू कर दिया। होम एड्रेस वेरीफाई में कुछ स्टेट में अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन की वजह से ऑफिस में बिजी होने के कारण कुछ स्टेट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उस स्टेट में थोड़ा सा डिले हो सकता है, मतलब 5-7 दिन। बाकी सभी जगह मार्च के महीने में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब जैसे ITBP वालों की जिनकी ज्वाइनिंग आई है उनकी भी ज्वाइनिंग 18 मार्च को आ रही है, मैं बता देता हूँ। जिन्होंने अभी तक सेविंग अकाउंट नहीं ओपन करवाया, SBI बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए दोस्तों, ठीक है, और हो सके तो ज्वाइंट करवा लीजिए। जैसे मैंने बताया था, मदर के साथ में, फादर के साथ में करा सकते हो, शादीशुदा हस्बैंड के साथ में और बीवी के साथ में ज्वाइंट अकाउंट करवा सकते हो दोस्तों। तो उसमें ये आपको ये घबराने की बात नहीं है कि ज्वाइंट अकाउंट का लिखा नहीं आ रहा, ज्वाइंट अकाउंट आपको बाद में करवाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि अभी आप ज्वाइंट अकाउंट कर लोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अब असम राइफल और इसकी, अब सबसे ज़्यादा जो मेरे से अब क्वेश्चन आने लगे वो SSB के, सर SSB के बारे में वीडियो बनाओ, सर SSB के ज्वाइनिंग लेटर के बारे में वीडियो बनाओ, SSB के ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, SSB की भी ज्वाइनिंग आपको मार्च को महीने में देखने को मिल जाएगी और अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर यानी आज तारीख है 5 तारीख है, तो 6, 7, 8 और 9, 10 दिन, 10 मार्च से पहले आपको SSB की भी अपडेट देखने को मिल जाएगी, किसी का ज्वाइनिंग लेटर, पुलिस वेरिफिकेशन, कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि SSB में भी ग्रुप सेंटरों में डिवाइड कर दिए गए हैं फॉर्म और जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी मार्च के महीने में। आपको मान के चलिए 25 मार्च से पहले ज्वाइनिंग डेटें आ जाएगी। जैसे ITBP में आज 4 तारीख को, 3 तारीख को जिनके ज्वाइनिंग लेटर आए उनको भी डेट 18 मार्च की मिली, मतलब 15 दिन का ही समय मिला, तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। SSB आपको 15 से 20 दिन का समय देगी और मार्च के महीने में आपकी ज्वाइनिंग करा लेगी, क्योंकि अप्रैल से अधिकतर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंगें शुरू होनी, कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी बाद में। अब जो CRP वाले बच्चे चिंतित हो रहे हैं उनको मैं फिर बोल रहा हूं, आपको 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1% भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, 2-4 दिन वेट करिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। BSF वाले बच्चे भी चिंतित ना हो कि उनका आ गया मेरा आ गया, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको 8-10 दिन का फ़र्क होगा एक एक के बीच में, हो सकता है अगर किसी बच्चे का छूट देता 5-7 दिन 8-10 दिन का फ़र्क होता है, तो उसके लिए ये नहीं कि उनका आ गया मेरा नहीं आ रहा, इसे चिंतित तक नहीं होना है, आ जाएगा, 5-7 दिन 8 दिन का फ़र्क पड़ सकता है, बाकी आप सभी की ज्वाइनिंग आ जाएंगी। और SSB की भी मैं बता रहा हूँ आपको, मार्च के महीने में लगभग शुरू हो जाएंगी, सभी की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, केवल असम राइफल उसकी पुलिस वेरिफिकेशन चल रही है, CISF की चल रही है अपडेट, CISF ये चाह रहा है कि पहले हम क्लियरेशन करा लें, जैसे CRPF में कैंसिल ऑर्डर निकले थे तो वो कैंसिल ऑर्डर नहीं देना चाहते ताकि बच्चों पे भी काफ़ी इफेक्टिव पड़ रहा हो, तो वो चाहते हैं कि पहले हम क्लियर कर लें उनसे डॉक्यूमेंट जो भी उनकी प्रॉब्लम हो, उसके बाद में ज्वाइनिंग दें, तो वो आपको 15 दिन का ही समय देंगे, 15-16 दिन का ही, तो मतलब ये है कि मार्च में आपको उनकी भी ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी और मार्च का महीना आपकी ज्वाइनिंग का रहेगा, ठीक है। एक चीज़ और रहता है, कई बार बच्चे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सर हमारा ग्रुप सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ सकता है, ग्रुप सेंटर रहेगा वहीं ट्रेनिंग होगा। देखो किसी से अगर ग्रुप सेंटर में ट्रेनिंग होती है, जैसे नीमच ग्रुप सेंटर भी है ट्रेनिंग सेंटर भी है, अजमेर ग्रुप सेंटर भी है ट्रेनिंग सेंटर भी है, BSF में जैसे जोधपुर ग्रुप सेंटर भी है ट्रेनिंग सेंटर भी है, अलवर CISF में ग्रुप सेंटर भी है ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो अगर इस प्रकार के जो है वहाँ तो वहीं पर ट्रेनिंग हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कि अब अजमेर में जैसे लड़कियों का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ लड़के भी ज्वाइन हो रहे हैं तो उनका वहाँ ट्रेनिंग नहीं होगा, उनका ट्रेनिंग सेंटर चेंज होगा। बाकी जिन बच्चों का जहाँ हो रहा है वहाँ अगर लड़कों की जैसे नीमच है और नीमच में लड़कों की ट्रेनिंग होती है तो आपकी वहीं ट्रेनिंग हो जाएगी, लेकिन अगर किसी और जगह ग्रुप सेंटर है वहाँ पे जैसे दिल्ली है जाड़ौदा यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होती है तो इनका जो ट्रेनिंग सेंटर आपका बाद में चेंज होगा। और कहाँ आएगा ये भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि कहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा ये मतलब नहीं है कि कहाँ आएगा, कोई भी इंडिया में कहीं पर भी आ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं होता अभी तक, हर एक बार ग्रुप सेंटर के ट्रेनिंग सेंटर चेंज होते हैं, ये नहीं कि फिक्स इस ग्रुप सेंटर के बच्चे इसी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करेंगे, ऐसा नहीं है, हर बार चेंज होते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत जल्दी आपकी सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी और ट्रेनिंग सेंटर का भी पता चल जाएगा। जय हिंद जय भारत।